हेलो अभिलाषा, आज वड़मा बना रही है क्या? पुलाव है ना? ये वड़मा और आज स्पेशल डिश बनने वाला है पुलाव। तो ये राइस है, चावल है, इसमें उन्होंने ब्रेड मिलाओ ना, काजू किसमें की ऐसे थे काजू तेज पत्ता, काजू, किशमिश, इलायची, काजू बादाम, काली मिर्च, बादाम, काजू बादाम, ये है चीनी। उमा कितने किलो चावल है इसमें? दो किलो राइस है और इसमें चीनी मिला रही है दादी। 50 ग्राम नहीं तो थोड़ा मिलाया, 3 चम्मच तेज पत्ता। ये मीठा पुलाव है। हल्दी, अब ये मिक्सअप कर रही हैं, सारा कुछ मिला रही है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, इसमें 2 किलो राइस है, थोड़े अच्छे वाले राइस है पुलाव बनाने के लिए, और इसमें है इलायची, लौंग, ये नमक मिला रही है दादी अब, तेज पत्ता है, काजू है, किशमिश है, बादाम नहीं है, बादाम भी है ओ, और ये है, इसको क्या बोलते हैं मम्मी? ना ना, ये वाला ये इलायची है, दालचीनी, खड़े मसाले में जो जाता है वो सब कुछ है। चीनी मिलाया 3-4 चम्मच, नमक मिलाया और हल्दी मिलाया और इसको मैशअप कर रही है दादी। दादी बहुत सालों बाद हमारे लिए बना रही है। लौंग थोड़ा सा दादी और ऐड कर रही है। एक बड़ा सा भगोना है जिसमें सारा कुछ बनेगा एक खट्टे। ये घी है, घी, देशी घी। अब ये घी ऐड हो रहा है इसमें। कितना घी है मम्मी इसमें? लगभग 250 ग्राम घी है। मिक्सिंग चल रही है, इसको बहुत अच्छे से मैश करना पड़ता है। इसमें ये किशमिश मिक्स कर रही है मम्मी साथ में। गर्म पानी में भिगो के रखा था। अच्छा, इसको गर्म पानी में भिगो के रखा था। मटर, और अब मम्मी मटर भी ऐड करेंगी, ग्रीन मटर। ठाकुर बोल दिया कि इन्होंने कलकत्ता में सीखा था और वहीं ये बनाती थी, और अब जिसको भी मन करता है खाने के लिए तो वो बना के देती है। ये बहुत टेस्टी होता है, पापा को भी बहुत पसंद है। और आज खाएगी कौन? अभिलाषा। बच्चर बस मैंने बताओ जेजुमे मैंने धरे बोले जेजुमे हम बनाए दी तब दादा सेवा कर इसमें घी थोड़ा और मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे। नहीं बेटा, ये घी है। आपने घी हो जाएगा आज लग रहा है। आधा किलो घी? नहीं नहीं, 250 ग्राम ही से काम चलेगा। क्या है ऐसा लग रहा है? अभी नहीं पका है, ये तो कच्चे चावल है अभी। पकड़ के बस कर लो ना, 2-3 घंटे से अभी ये पका नहीं है, अभी कच्चे चावल है और सारा कुछ मिक्सअप करके ऐसा फील हो रहा है जैसे बन गया है। अब गैस ऑन कर दिया है और इसको उस पर रखा है, और
दादी बोल रही है इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले हम इसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे। देखिए तो, और बाद में इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे और थोड़ा घी भी मिक्स करेंगे। जब राइस थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो इसको ढक देंगे। मेरी मम्मा और मेरी दादी दोनों जने मिलके आज पुलाव बना रहे हैं स्पेशल। थोड़ा सा चीनी और ऐड कर रहे हैं। इसको चलाते रहना है, बिल्कुल एकदम रुकना नहीं है, नीचे लगना नहीं चाहिए, चलाते रहो। अब मम्मा भी लग गई है काम पे, मिक्सिंग करने में लगी है मम्मा बिल्कुल। अभी डिस्कशन चल रहा है कि 2 किलो चावल में कितना पानी ऐड होना चाहिए, 1.5 लीटर या 2 लीटर, एक आइडिया से करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 2 लीटर तो होना चाहिए। राइस ना अपना हल्का कलर चेंज करने लग रहा है तब इसमें पानी ऐड करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसमें गरम पानी यहाँ कर लिया है, अब इसको ऐड करेंगी मम्मी। एक धुआं छा गई भाई, रियल में ये स्टीम है, गरम पानी ऐड किया गरम चीज़ में तो। मैं पानी ऐड कर दिया है, अब इसको ढक्कन से बंद करेंगे। या आप देखते हैं 10 मिनट बाद इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या चा हाल चाल चल रहा है। पग्गू बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्ले बाबा। आप मेरी दादी क्या बना रही है, ये नारियल है, नारियल को कद्दूकस कर लिया है, कच्चे नारियल को। और मेरी मम्मी पुलाव के साथ बेगुनी बनता है, बैंगन के पकौड़े वो बना रही है। इस क्या क्या है मम्मी इसमें, बेसन, हल्दी, नमक, काली जीरा, कलंजी और पेपर पाउडर, अच्छा काली मिर्च पाउडर, हींग, और इसी में ये ऐड करेंगी दादी। और फिर इसको खाते हैं पुलाव के साथ। आप ढाकू में गाना भी सुनाने वाली है, गाना सोरू तैले रन्ना मातेर जुल मिष्टन्ना दिया रखेन्ना दादा को रीती। चिकन चले अन्ना मातेर जुल मिष्टन्ना, मातेर जुल मिष्टन्ना दिया देखेन्ना दादा को रीती। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा सॉन्ग सुना रही है। ये एक इसका इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसमें हिलाना पड़ता है इसको बीच में ही, मम्मी वो प्रोसेस कर रही है जिससे कि ऊपर का राइस नीचे आ जाए, नीचे का ऊपर आ जाए और अच्छे से सारा पक जाए। अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड कर रही है दादी। हाँ घी ऐड हो रहा है फिर से। अब ये लास्ट प्रोसेस चल रहा है जिसमें बटर डाला जा रहा है और इसमें गुलाब जल और ये है केसर भिगोया हुआ, इसका पानी इसमें ऐड करेंगे। इसमें नॉर्मल गुलाब जल जो होता है उसका स्प्रे कर रहे हैं। अब मम्मी बना रही है क्या, बेगुनी। मम्मी बताओ, बेसन आगे बोल के। हाँ हाँ सारा बोल दिया था, बस इसको डिप करके ऐसे छोड़ रहे हैं। अभी सर्विंग प्लेट तैयार हो रहा है, ये है पुलाव, पुलाव 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 और ये बेगुनी। पापा का फेवरेट है तो पापा चेक करके बताएंगे कैसा बना है। कैरम बनी से बाबा हैं, अरे बाप रे, ভালো হয়েছে। হ্যাঁ ভালো হয়েছে।
মানে ভিডিও বানাচ্ছ নাটক করছ না বুঝিন না ভিডিও বানতেছ দুখাও পিরনি কুড়িয়া দসির কদ দিল अब अभिलाषा की मम्मी ट्राई कर दिया है। बहुत है। कैसा है? बहुत अब अभिलाषा खा के बताएगी कैसा बना है। अभी जस्ट नहा के आई है। खाओ खाओ खाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा। कैसा बना है? यम्मी, बहुत टेस्टी। वेरी नाइस।